ओके फाइन जी, आगाज करते हैं हीप का। स्टैक के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें। तब तक हम हीप डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन को आप प्लीज इंटरप्ट कर सकते हैं मुझे। सो हीप एज कंपेयर टू स्टैक ऑर्गेनाइज नहीं होती, और उसकी एक वजह है, और उसकी वजह ये है कि डेटा का जो साइज है वो कंपाइल टाइम पे नॉन नहीं होता, ठीक है। और ऐसी तमाम डेटा जिसका कंपाइल टाइम पे हमें पता नहीं होता कि इसमें कितना डेटा आएगा, उसको फिर प्रोग्राम जो है वो हीप के मेमोरी स्ट्रक्चर के ऊपर सेव करते हैं, ठीक है। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमने इंटीजर वैल्यू सेव करनी है, तो हमने एक वेरिएबल बना लिया U8 का, या I8 का, या I32 का, या U32 का, या F64 का, या F32 का। तो होता ये है कि जब आप U32 साइज का या I32 साइज का एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, तो उसकी एक तो रेंज होती है कि सपोज वो इतने से इतने तक का डाटा सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम I8 की बात करें तो I8 शायद मैक्सिमम वैल्यू 127 तक स्टोर करवा सकता है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब आप I8 इंटीजर 8 टाइप का कोई वेरिएबल बनाएंगे, तो स्टैक में 8 जो आपकी बिट्स हैं या 1 बाइट जो है ना वो एलोकेट हो जाएगा। अब उस 8 बाइट में रहते हुए आप वैल्यू 1 डालें, 2 डालें, 5 डालें, 10 डालें, 100 डालें, या 127 डालें, ठीक है, उसने सेव जाके उन्हीं 8 बिट्स में या 1 बाइट में होना, तो ये साइज नॉन हो गया ना कि इस वेरिएबल का साइज क्या है, 8 बिट है, मेमोरी में इसने 8 बिट एलोकेट कर देनी है उस के लिए। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैंने आपसे पूछा कि एंटर योर नेम, तो नेम एक 5 लेटर के ऊपर मुश्तमिल लफ्ज भी हो सकता है, और 8-8 लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल 3 लफ्ज भी हो सकते हैं, 4 लफ्ज भी हो सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है सैयद जाहिद हुसैन शाह काजमी। तो अगर उनको वो प्रोग्राम दिया जाए, वो उस प्रोग्राम को रन करें, वो प्रोग्राम उनसे पूछ लें कि भाई एंटर योर नेम, तो उन्होंने तो लिख देना है कि सैयद जाहिद हुसैन शाह काजमी, ठीक है। अब ये इतना लंबा मतलब नाम बन गया है, वही नेम ही वेरिएबल, लेकिन उसमें मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, तो वो कुछ और कैरेक्टर्स या और रिक्वायरमेंट उसकी बन रही है, वो जाहिर साहब डाल रही है तो उसकी और रिक्वायरमेंट बन रही है, ठीक है। तो ये ऐसा डाटा है जिसका साइज हम कंपाइल टाइम पे डिटरमिन नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि जो हमारा एंड यूजर है जब वो इस प्रोग्राम को चलाएगा और जब वो अपना नाम एंटर करेगा, तो वो नाम पता नहीं कितना लंबा होगा। इस किस्म का जो डाटा होगा जिसके अंदर जो डाटा आ रहा है वो उसका साइज हमें नॉन ना हो, उस साइज को फिर रस जो है वो हीप टाइप ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर में सेव करते हैं, ठीक है। और होता यह है कि जब वो डाटा आता है तो उस डाटा के साइज को देखकर फिर आपका प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे 10 बाइट, 50 बाइट, 20 बाइट, 40 बाइट या 100 बाइट की जगह दे दो रैम में कहीं पे, क्योंकि वहां पे मैंने ये इतना लंबा नाम स्टोर करना, या कोई भी डाटा जो भी आपने दिया उस प्रोग्राम को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट क्या करता है कि जब रस का प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे इतना मेरे पास डाटा आ गया है तो मुझे ये स्क्रीन पे स्टोर करना है, तो आप मुझे इस साइज की कोई मेमोरी लोकेशन दे दें एलोकेट करके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो मेमोरी के अंदर उतनी बड़ी जगह जितनी आपने मांगी है वो फाइंड आउट करता है, ठीक है, हीप के ऊपर। उसके ऊपर निशान लगाता है कि भाई ये जो एरिया ऑफ द मेमोरी है, ये जो बाइट्स हैं, ये अब यूज होना शुरू हो गए हैं, कोई प्रोग्राम इनको यूज कर रहा है, इसमें वो अपना डाटा स्टोर करने लगा है। और उसके बाद आपको उस लोकेशन का एक पॉइंटर, एक निशानी, एक एड्रेस रिटर्न करता है कि भाई तुम्हारे लिए जो मैंने जगह हीप पे स्टोर की है ना, जो तुमने बाइट मांगे थे, बिलफर्ज मैंने मांगे 40 बाइट दे दो यार ऑपरेटिंग सिस्टम से,
ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेमोरी में सर्च किया कि 40 बाइट कहाँ पे इकट्ठे पड़े हुए हैं मेमोरी में जगह, उसको एक जगह मिल गई, उस जगह का एड्रेस लाके उसने मुझे पकड़ा दिया कि भाई ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए 40 बाइट स्टोर करके रख दी है, और भाई इनमें जो तुमने डेटा डालना है डाल दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस एड्रेस उस लोकेशन पे जाएंगे और वो जो भी डाटा हमें एंड यूजर से मिला है उसको जाके वहाँ पे 40 बाइट्स में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को हीप के लिए मेमोरी एलोकेशन या हीप एलोकेशन। ठीक है, मेमोरी में हीप एलोकेशन, कि जब आपको वेरिएबल डेटा स्टोर करने की मेमोरी में रिक्वायरमेंट रेज होती है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इस साइज का हीप एलोकेट कर दें। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में जाके उतने नंबर ऑफ बाइट्स की कोई लोकेशन देखता है, कंजेक्टिव लोकेशन जहाँ पे उतने बाइट्स खाली हों, और उनमें से पहले बाइट का एड्रेस जो है वो आपको लाके दे देता है, और आप फिर ये करते हैं कि उस एड्रेस को यूज करते हुए वहां पे जाके वो अपना डेटा हीप पे सेव करवा लेते हैं। अब ये जो सामने आपके एग्जांपल आ रही है, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हीप की और स्टैक की। तो देखिए, हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर स्टैक आ रहा है। स्टैक में आप डेटा एलिमेंट जैसा इंटीजर, फ्लोट, बूल, इस तरह की चीजें सेव कर सकते हैं। फिर दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई कि जब हीप एलोकेट होती है तो वो हीप का जो एड्रेस होता है ना वो लाके आपको दे दिया जाता है। एड्रेस एक फिक्स साइज का डाटा होता है। ठीक है, जैसे अगर आपके घर का एड्रेस है तो हर बंदे की उम्र, घर का एड्रेस क्या होता है, हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस। ठीक है, तो अगर हम सपोज करते हैं कि आप एक ही टाउन में रह रहे हैं सारे के सारे, तो अब क्या होगा कि बिलफर्ज आप आते हैं, आप कहते हैं जी मुझे 10 बंदों की रिहाइश के लिए घर चाहिए, तो वो जो टाउन ओनर है वो देखेगा कि अच्छा मेरे पास कौन सा घर इतना बड़ा है जिसमें 10 बंदों के लिए 10 बेडरूम हो, तो वो आपको कह देगा भाई आप हाउस नंबर 5 स्ट्रीट नंबर 10 में चले जाएं। उधर वो जो हाउस नंबर 5 है ना स्ट्रीट नंबर 10 वाला, वो इतना बड़ा है कि 10 बंदे उसमें आराम से रह सकते हैं। एक और बंदा आता है, वो कहता है जी हम तो बस 2 मियां बीवी हैं, तो हमें आप 2 बंदों वाला कोई घर दे दें। वो कहते हैं ओके, आप यूँ करें स्ट्रीट नंबर 3 में, हाउस नंबर 1 में चले जाएं, वो खाली भी है और 2 बंदों के लिए वो बेहतर रहेगा, तो वो उधर चले जाते हैं। इसी तरह कोई और बंदा आते हैं, वो कहते हैं जी मैं और मेरे अम्मी अबू हैं, हम 3 बंदे हैं, तो मैं 3 बंदों वाला घर दे। वो कहते हैं जी आप स्ट्रीट नंबर 5 में, हाउस नंबर 10 में चले जाएं, वो 3 बंदों के लिए वो खाली भी है, तो वहां चले जाते हैं। तो देखें, अब 10 बंदों वाला भी, 5 बंदों वाला भी, 3 बंदों वाला भी, सब आ रहे हैं और उनको रिलेटिव इतनी बड़े बड़े घर एलोकेट हो रहे हैं, लेकिन हर घर का जो एड्रेस है वो सेम साइज का है, हाउस नंबर आगे कोई नंबर, यानी कि हाउस नंबर X, स्ट्रीट नंबर Y। ठीक है, एड्रेस सबका सेम है, 10 बंदों के 10 बेडरूम वाले घर का भी एड्रेस का साइज वही बनेगा, और 3 बंदों वाले घर के एड्रेस का भी साइज वही बनेगा, एड्रेस का, घर का नहीं, एड्रेस का। ठीक है, तो यही हालात हैं हमारे हीप के, कि हमें हीप में जितना डाटा स्टोर करवाना होता है हम उस साइज की एलोकेशन तो करवा लेते हैं, लेकिन उस एलोकेशन के बाद हमें जो उसका एड्रेस मिलता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, वो एक फिक्स साइज ऑफ एड्रेस होता है, एक पॉइंटर होता है मेमोरी एड्रेस का, कि जी इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर मैंने आपके लिए जगह एलोकेट कर दी। तो वो जो एड्रेस होता है मेमोरी का, वो पॉइंटर जो होता है उसका साइज फिक्स होता है, वो भी आकर यहीं पे सेव होता है, कहाँ पे, हमारे स्टैक में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जरा थोड़ा सा इसको देखते हैं। होगा ऐसे कि आपने कहा कि मैंने नेम स्टोर करवाना है, तो नेम मेरा है बिलफर्ज 15 करेक्टर का, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं कि भाई मैं 15 करेक्टर एलोकेट कर दो, तो वो अपने किसी जगह पे जाके कोई एलोकेशन करता है, और एलोकेशन करने के बाद हमें एड्रेस ला के देता है, और वो एड्रेस यहाँ पे हीप में इस जगह पे सेव हो जाएगा। ठीक है, और ये एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये एड्रेस उस मेमोरी लोकेशन में उस 10 या 15 बाइट वाली जगह को रेफरेंस कर रहा होगा जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें जगह दी, और हमने फिर वहाँ पे ये
वाला डाटा स्टोर करवा दिया, ठीक है। फिर हमने उसके बाद सपोज कोई इंटीजर वैल्यू सेव की, वो हमने यहाँ पे लाके कोई 100 एक इंटीजर वैल्यू थी वो इस जगह पे सेव हो गई। फिर हमारे पास थोड़ा सा और डाटा आ गया, बिलफर्ज हमारे पास डाटा आ गया जी हेलो वर्ल्ड, हमने सेव करना है। हेलो वर्ल्ड के लिए फिर क्या होगा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से वो साइज रिक्वेस्ट करेंगे कि यार हमें हेलो वर्ल्ड सेव करना है, तो हमें 15-20 करेक्टर जितने भी करेक्टर हेलो वर्ल्ड के बनते हैं वो साइज हमें कोई मेमोरी में ना एलोकेट कर दो हीप के ऊपर। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा और वो ढूंढेगा, वो जाके ये वाली जगह एलोकेट करेगा हमारे लिए और उसका हमें एड्रेस ला के दे देगा। उस एड्रेस को फिर हम अपने पास यहाँ स्टैक के ऊपर सेव कर लेंगे, ठीक है। और ये जो एड्रेस है ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ने जगह दी है डेटा सेव करने के लिए। हम उस एड्रेस पे जाएंगे और वहाँ जाके हम अपना डेटा सेव कर देंगे। अब इसी तरह आपको पता है कि कंप्यूटर में और भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, ठीक है। वो सारे एक ही रैम यूज़ करते हैं ना, जो आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम या 8 GB रैम लगी भी है, तो उसमें खाली आप ही का प्रोग्राम तो नहीं यूज हो रहा होगा, और भी बहुत से प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो वो भी अपना अपना डाटा वहाँ पे हीप पे रख रहे होंगे। तो ये जो डाटा इधर दिखाया जा रहा है ये सपोज ये किसी और प्रोग्राम ने सेव किया हुआ, ये जो लंबा सा डाटा है ये किसी और प्रोग्राम ने सेव किया हुआ अपना उस हीप पे, ठीक है। आपका ताल्लुक इस इन सबसे नहीं है, आपका ताल्लुक इससे है, इस प्रोग्राम ने जहां जहां पे कुछ डाटा सेव किया है इन इनसे, यानी कि करंटली इस वक्त इस प्रोग्राम ने यहाँ पर हीप के ऊपर एक ये हेलो वर्ल्ड वाला सेव किया और एक ये रेस्ट एग्जाम्पल वाला सेव किया है। तो आपके प्रोग्राम का लिंक इन दो से रहेगा, बाकी हीप के ऊपर के अगर किसी और प्रोग्राम का डाटा सेव हुआ है तो उससे आपका कोई सरोकार नहीं होगा आपके अपने प्रोग्राम का, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज करते हैं कि आपने उसके बाद कोई बुलियन टाइप का डाटा सेव किया, ठीक है। फिर आपने कोई फ्लोट टाइप का 34.5 ये डाटा सेव कर दिया हीप के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम जो जो डाटा उसके अंदर आता जा रहा होगा तो वो उस तरह से हीप के ऊपर उस टैब के ऊपर अपने डाटा को सेव करता जा रहा होगा। और जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली रैम क्लियर होगी, जो हीप है उसके ऊपर क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं थोड़ा सा आगे जाके स्लाइड में। और जो आपका स्टैक है उसमें से ये सारी वैल्यू वन बाय वन पॉप हो जाएंगी। सबसे पहले ये 34.5 वाला वैल्यू पॉप होगी, देन पे ट्रू ये जो लिखा हुआ था ये पॉप होगा, फिर इस हीप का जो रेफरेंस यहाँ पे सेव हुआ हुआ था ये पॉप होगा, उसके बाद ये जो 100 हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल था ये पॉप हो जाएगा, और देन फिर ये रस्ट एग्जाम्पल वाले का जो एड्रेस था पॉइंटर वो यहाँ से पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है हो रही होती है जब हम डाटा को अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और इसको सेव कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दी गई है यही हीप का कंसेप्ट समझाने के लिए, वो ये है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो भी अच्छा मतलब रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे वो आपसे पूछते हैं या आपने रिजर्वेशन करानी होती है तो आपने कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 बंदों का, यानी कि हमने कोई दोस्तों ने गेट टुगेदर किए तो आप हमें 10 पर्सन वाला टेबल दे दें। तो उमूमन फिर वो ये करते हैं कि वो आपके लिए दो टेबल जोड़ के उसके आसपास 10 कुर्सियां लगाकर आपके लिए जगह बना देते हैं। इसी तरह से कोई बंदा आता है वो कहता है जी मुझे तो 2 बंदों के लिए टेबल चाहिए, और साथ अगर उसकी कोई स्पेसिफिकेशन भी हैं कि मुझे लाइक फलां वाला व्यू चाहिए या इस तरह की कोई चीज़ या फलां एरिया में चाहिए, तो वो फिर चीज़ें आप स्पेक्स बता देते हैं और उन सारी स्पेक्स को सामने रखते हुए वो जो होटल मैनेजमेंट होती है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट होती है वो आपको कोई टेबल एलोकेट कर देते हैं। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप वहाँ पहुँच के अपने रेलिवेंट टेबल की तरफ फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं कि जी आपके लिए टेबल नंबर 5 रिजर्व है। तो आप जाते हैं टेबल नंबर 5 पे बैठ जाते हैं, वो उन्होंने पहले से 5 नंबर के ऊपर 2 टेबल जोड़ के आसपास 10 कुर्सियाँ रख के 10 बंदों के बैठने की जगह बनाई होती है, आप बैठते हैं और अपनी पार्टी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से हीप की ही एक एग्जांपल आप कंसीडर कर लें रियल लाइफ की, कि जिसमें आपकी एस अब जो रेस्टोरेंट है उसको तो नहीं पता कि यार आप या कोई भी उसका कस्टमर आ रहा है तो वो कितनी क्वांटिटी में है। कुछ लोग हैं वो कपल आ रहे होंगे तो वो 2-2 हैं,
कुछ मियाँ बीवी और बच्चे आ रहे हैं तो वो 4 भी हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो 6 भी हो सकते हैं, कोई और फ्रेंड्स आ रहे हैं तो वो 10 भी हो सकते हैं, कोई दो तीन फैमिलीज आपस में कोई एक गेट टुगेदर कर रही हैं तो वो शायद 15-20 भी हो सकते हैं। इस तरह से एक वेरिएबल साइज ऑफ कस्टमर जो है ना वो रेस्टोरेंट के पास आ रहे हैं, और रेस्टोरेंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट उनको एक टेबल, लाइक अगर 4 बंदे मैनेज कर सकती है, तो अगर 8 बंदे या 6 बंदे आ गए हैं तो वो 2 टेबल जोड़कर उनको एक तरह का एक पॉइंट या एक स्पॉट प्रोवाइड कर देगी, जिसमें वो सारे 2 टेबल जोड़ के एक टेबल बना के उसके ऊपर बैठे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये भी हीप की एग्जाम्पल आ गई। अब हीप ना इसी वेरिएबल साइज की वजह से लेस ऑर्गेनाइज होती है, क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं हो सकती कि हमें कोई पता नहीं होता कि जो आपका डाटा है वो किस साइज का होगा, और इसी वजह से ये रन टाइम पे रिक्वेस्ट की जाती है इसके लिए स्पेस ओएस से। ठीक है, और ये स्लोर होती है। स्लोर इसलिए होती है कि जाहिर है इसको कोई पता नहीं साइज मुख्तलिफ वेरिएबल साइज का है, फिर वो मल्टीपल जगहों में पड़ा हुआ, एक ही प्रोग्राम ने अगर 4 वेरिएबल बनाए हीप पे तो एक कहीं पड़ा होगा, एक कहीं पड़ा होगा। या आप लास्ट एग्जाम्पल देख लें ये वाली, इसमें देखिए इसने एक रस्ट एग्जाम्पल वाला वेरिएबल बनाया था और एक हेलो वर्ल्ड वाला बनाया था, लेकिन हेलो वर्ल्ड वाला रैम पूरी में यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रस्ट वाला यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, दूर दूर एक दूसरे से। अच्छा, इसी तरह से इसको एक्सेस करने के लिए आपको पॉइंटर फॉलो करना पड़ता है। जब आपने वेरिएबल का वो जो डाटा होता है वो सेव करना होता है या रीड करना होता है, तो आप पहले स्टैक पे जाते हैं, वहां से पॉइंटर एड्रेस पढ़ते हैं और फिर उस एड्रेस के ऊपर जाके वहां से एक्चुअल डाटा उठाते हैं, तो ये डबल ऑपरेशन हो रहे होते हैं। ठीक है, और फिर चूंकि इसका वेरिएबल डाटा होता है तो जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको डाटा को मैनेज करने में हीप पे। इसके आप अगर हम रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल लें, अगर आप एक अकेले जाके खाना खाना चाह रहे हैं, दो खाना चाह रहे हैं, तीन खाना चाह रहे हैं या 4 बंदे हैं, तब तो कोई मसला नहीं। आप जो इनके पास जाएंगे वो फौरन कहेंगे जी वो सामने टेबल लगी हुई है, हर टेबल जा रहा है, कम से कम 4 बंदे मैनेज कर सकती है, तो आप फलां टेबल पे जाके बैठ जाएं, तो आप फौरन जाके वहां बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 बंदे हैं या 6 बंदे हैं, अब क्या होगा, जब आप जाके कहेंगे यार मुझे 6 बंदों का टेबल दें, तो कहेंगे सर 1 मिनट रुकें, वो आपको रोकेंगे, वो जाके 2 टेबल्स को आपस में जोड़ेंगे, तो अब जाके 6 बनेंगे, एक टेबल पे तो 4 से ज्यादा बंदे नहीं बैठ सकते, तो अब एक्स्ट्रा प्रोसेस हो गया ना कि ज्यादा बंदे आ गए तो उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी 2 मिनट बस आप रुकें, साथ ही वेटर को इशारा किया, वेटर ने 2 टेबल जोड़ी, उनके आसपास वो 6 कुर्सियां सेट की, और अब आपसे कहा कि सर वो आपकी टेबल सामने रेडी हो गई है, अब आप जाके बैठ जाए। ठीक है, तो अब जो वो 2 टेबल जुड़ी हुई थी वो 8 बंदे तक सपोर्ट कर सकती थी फॉर एग्जाम्पल, अब आपके बंदे हो गए 10। अब जब आप गए तो आपने कहा जी मुझे 10 बंदों का टेबल एक दें, तो कहते सर आप 2 मिनट खड़े हो, पहले वाले 1 मिनट खड़े किए थे और उनकी 2 टेबल जोड़ी थी, आपको 2 मिनट खड़े होना पड़ेगा क्योंकि अब उन्होंने 3 टेबल जोड़नी है, 3 टेबल जोड़ेंगे तो वो 12 बंदों की स्पेस बन जाएगी। अब आप कहेंगे जी ओके ये 12 बंदों की स्पेस है, आप यहाँ पे 10 बंदे बिठा सकते हैं, आप जाएं और जाके उस टेबल पर बैठ जाएं। जितना ज्यादा डाटा होता चला जाएगा उतना थोड़ा सा टाइम लगेगा उस डाटा को मैनेज करने में। अच्छा, अब ये तो हमने बताया कि स्लो क्यों होता है हीप के ऊपर, अब ये बात कर रहे हैं कि फास्ट क्यों होता है स्टैक में। तो स्टैक में भाई तेजी इसलिए आती है क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को एतमाद में नहीं लेना कि भाई जाओ जाके चेक करो 10 बंदों की जगह कहाँ बन रही है, 15 बाइट्स की जगह कहाँ बन रही है, 20 बाइट्स की जगह कहाँ बन रही है, 100 बाइट्स की जगह कहाँ बन रही है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जाता है और जाके पूरी रैम में तलाश करता है कि कौन सी ऐसी एफिशिएंट प्लेस है जहाँ पे कंजेक्टिव दैट नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी अवेलेबल है, और फिर वो उसका आपको एड्रेस रिटर्न करता है और उससे पहले उसको मार्क भी करता है कि ये जगह जो है यूज हो रही है किसी वेरिएबल के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सारे काम स्टैक पे नहीं होते। स्टैक में आपको पता होता है कि भाई हमारा एक स्टैक बना हुआ है, जो ही आपको वैल्यू मिलती है आप उस स्टैक में सबसे ऊपर डाल देते हैं, अगली वैल्यू होती है उस स्टैक में उससे ऊपर डाल देते हैं, उससे अगली वैल्यू होती है आप स्टैक में उससे ऊपर डाल देते हैं, तो आपको ये बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ कर फिर वो एड्रेस लेके फिर उस एड्रेस में नहीं जाना पड़ता। या अगर आपने डाटा को स्टोर करवाना है तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती और ऑपरेटिंग सिस्टम को जाके उतने साइज का खाली मेमोरी वाली जगह नहीं ढूंढनी पड़ती, उसको पता होता है बस वो स्टैक के सामने पड़ा हुआ,
जो भी नई वैल्यू आई सबसे ऊपर डाल दो, उससे अगली वैल्यू आ गई उससे ऊपर डाल दो, उससे अगली वैल्यू आई तो फिर उसके ऊपर डाल दो, ठीक है, इस तरह से मामला चल रहे होता है। तो ये भी बात दो तीन स्टेप्स में रिपीट हुई भी है कि स्टैक में चूंकि आपको ये सारे मसाइल नहीं फॉलो करने पड़े होते, ओएस से रिक्वेस्ट करनी, फिर ओएस को जाके जगह ढूंढनी, इस तरह से स्टैक फास्टर होता है, और हीप में चूंकि आपको सारे काम करने पड़े होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा काम है ये एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, इस तरह से हीप रिलेटिवली स्लो होती है। अब यहाँ से आगे हमारा ओनरशिप का कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है, और होपफुली आज के लिए हम इसी ऑनरशिप के कंसेप्ट को देख के फिर आज का सेशन एंड करेंगे। इससे पहले स्टैक और हीप के बारे में कोई सवाल है तो आप काइंडली पूछ लें, वरना फिर हम यहाँ से आगे ऑनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कोई सवाल है ऑनरशिप के हवाले से तो प्लीज पूछ लें, सॉरी ऑनरशिप नहीं, हीप और स्टैक के हवाले से। ओके फाइन जी, कंटिन्यू करते हैं ऑनरशिप को। अच्छा, अब जितने भी प्रोग्राम रन होते हैं तो मेमोरी यूज करते हैं, और यूज करते हुए इसको मैनेज भी कर रहे होते हैं, जो जो मेमोरी में वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल उड़ा रहे हैं, वेरिएबल्स में से डाटा एक दूसरे में पास ऑन कर रहे हैं, तो ये सारी मेमोरी मैनेजमेंट हो रही होती है। जी, किसी और क्वेश्चन है? तो अब कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं उन्होंने एक फिनोमेना इम्प्लीमेंट किया होता है जिसको कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है कि वो मेमोरी में प्रोग्राम के साथ साथ गार्बेज कलेक्टर भी स्टार्ट हो जाता है, वो देख रहा होता है कि इस प्रोग्राम ने कौन कौन सी मेमोरी रिजर्व की हुई है, और कौन कौन सी वो मेमोरी है जो अब इसने रिजर्व करके यूज करके अब छोड़ दी है। अब वो मेमोरी में ओएस के पास तो इस प्रोग्राम के हवाले से रजिस्टर हुई भी है, लेकिन अब इस प्रोग्राम के लिए अब उसका कोई यूज नहीं रहा। तो गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कहते हैं कूड़ा करकट को, कलेक्टर कहते हैं जमा करने वाले को। तो गार्बेज कलेक्टर का काम ये होता है कि वो हर थोड़ी देर बाद चेक करता है कि कोई ऐसी प्रोग्राम की मेमोरी पड़ी हुई है जो इसने यूज करके अब जाया कर दी है, फारख पड़ी हुई है। अगर कोई इसको ऐसी मेमोरी मिलती है तो वो उसको फ्री कर देता है। इससे क्या होता है कि आपका ये गार्बेज कलेक्टर का काम ऑटोमेट भी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा ना एक एक्स्ट्रा लोड भी डाल देता है। कैसे? कि एक तो आपने प्रोग्राम बनाया होता है जो आपकी लॉजिक होती है, जो आपने कमांडें लिखी होती हैं, जब वो प्रोग्राम उस लैंग्वेज में कंपाइल होता है ना तो साथ गार्बेज कलेक्टर का कोड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जब अपना प्रोग्राम चलाते हैं। अब एक तो ये होता है कि जब गार्बेज कलेक्टर का कोड एक्स्ट्रा ऐड होता है तो आपके प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाता है, 100 लाइनें आपकी थी जो आपने कोडिंग में लिखी भी थी, प्लस 50 लाइनें गार्बेज कलेक्टर का कोड भी उसमें ऐड हो गई, जो एंड में आपके पास फाइल बनती है एग्जीक्यूटेबल उसका साइज 150 हो जाता है। 150 लाइन, 100 आपकी होती है और 50 वो गार्बेज कलेक्टर वाला कोड, तो एक तो साइज ऐड हो जाता है। फिर जब प्रोग्राम रन होता है तो फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए 100 बाइट मेमोरी चाहिए थी, लेकिन अब साथ गार्बेज कलेक्टर भी रन होने, तो अब क्या होगा कि अब 50 बाइट वो भी ले लेगा रैम। तो अब आपके प्रोग्राम की एक्चुअल रनिंग रिक्वायरमेंट थी कि आपको 100 बाइट मेमोरी मिलनी चाहिए, लेकिन आपका प्रोग्राम 150 बाइट मेमोरी दे रहा है। क्यों? कि 50 बाइट में साथ उसने गार्बेज कलेक्टर को भी स्टार्ट कर दिया है, और वो गार्बेज कलेक्टर मेमोरी में बैठा हुआ देख रहा है कि कोई रैम फ्री हो तो मैं उसको साफ करूँ। ठीक है, तो एक तो ये इसके अंदर मसला आता है गार्बेज कलेक्टर वाले इशू में। कुछ लैंग्वेज क्या करती हैं, वो कहती है भाई गार्बेज कलेक्टर कोई नहीं है, हम एक्स्ट्रा लोड नहीं डालते,
आपका साइज भी प्रोग्राम का बड़ा हो और फिर रैम भी ज्यादा ले, तो हम कुछ भी नहीं देते आपको इस तरह की। अब ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि भाई वो जो वेरिएबल बनाए, मेमोरी रिजर्व करवाए, उसके बाद उसको यूज़ करे मेमोरी को, जब वो देखे कि हाँ भी अब मुझे मज़ीद आगे कोड में इस मेमोरी एलोकेशन जो हुई हुई है मेरे लिए उसकी ज़रूरत नहीं है इस वेरिएबल की, तो उसको डी एलोकेट कर दें, उसको खुद से ख़त्म कर दें कि जो गार्बेज कलेक्टर वाला काम था उसकी जगह वो प्रोग्रामर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो आपका प्रोग्राम में उसकी ज़रूरत पेश ना आए, ज़रूरत ना रहे आगे जाके, यूज़ आपने कर लिया उसको, अब आपने खुद उसको डिस्पोज ऑफ भी करना है, मेमोरी को फ्री आपने करना है, प्रोग्रामर ने करना है। बहुत अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अब आपने काम डाल दिया प्रोग्रामर के नातवां कंधों पे, तो अगर कहीं प्रोग्रामर से कोई भूल चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, वो एक मेमोरी एलोकेट कर लेता है लेकिन बाद में उसको डी एलोकेट करना या ख़त्म करवाना भूल जाता है, फ्री करवाना भूल जाता है, अब क्या होगा कि वो मेमोरी रिजर्व रहेगी, ठीक है, फ्री नहीं होगी, तो ये भी एक इशू है। या हो सकता है वो गलती से उसको याद ना रहा हो तो उसने एक जगह भी मेमोरी फ्री करा दी और दूसरी जगह फिर वही मेमोरी फ्री करवा रहा हो, तो वो भी एरर की तरफ जा सकती है। तो ये मेमोरी मतलब करप्शन की तरफ इशू जा सकता है कि अगर आपका प्रोग्रामर फिर फूंक फूंक के प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा, तो दोनों अप्रोचेज में गड़बड़ होगी। पहली अप्रोच जो है वो ये है कि वो ये काम करवा तो ऑटोमेटिक रही है, लेकिन ऑटोमेटिक काम करवाने के लिए उसका एक ओवरहेड भी ऐड हो रहा है गार्बेज कलेक्टर का, कोड के साइज़ पे भी और मेमोरी रिक्वायरमेंट पे भी, ज़्यादा मेमोरी चाहिए, ज़्यादा साइज़ हो रहा है उसका, ज़्यादा स्पेस चाहिए। और अगर हम ये काम नहीं करते तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली फिर प्रोग्रामर को खुद करना पड़ेगा, कहीं प्रोग्रामर से गलती होगी तो आपका प्रोग्राम क्रैश भी कर सकता है या कोई अनसीन बिहेवियर का सामना करना पड़ सकता है आपको। रस्ट ने इन दोनों काम नहीं किए, रस्ट ने अप्रोच एक शुरू की तीसरी, और उन्होंने कहा कि भाई हम जो मेमोरी मैनेजमेंट है ना ये सिस्टम ऑफ ऑनरशिप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम लोग, और इस सिस्टम ऑफ ऑनरशिप है ना ये मैनेज करेगा मेमोरी को। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ रूल बना दिए, तीन रूल ऑनरशिप के, और जो रस्ट का कंपाइलर है ना जो अपना प्रोग्राम लिख के उसको रन करते हैं, तो रन करने से पहले वो कंपाइल होता है प्रोग्राम, तो जब वो प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है ना तो कंपाइल टाइम पे वो रूल चेक होते हैं और वो देखते हैं कि आपके प्रोग्राम के वेरिएबल्स की या मेमोरी के हवाले से बिहेवियर क्या होगा। तो ये सारी बातें कंपाइल टाइम के ऊपर ही फिट हो जाती हैं, और जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उस वक्त आपका प्रोग्राम अपने सिर्फ प्रोग्राम वाले काम करते हैं और सही A1 और सही स्पीड में चलता है, कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड नहीं देता कि गार्बेज कलेक्टर चल रहा है या यूज़र की तरफ से मेमोरी एलोकेशन हो रही है और मेमोरी डी एलोकेशन हो रही है, मेमोरी रिजर्व हो रही है, मेमोरी फ्री हो रही है, ये सारे काम रन टाइम पे फिर नहीं होते। रन टाइम पे प्रोग्राम ना किसी पे जो आपने उसको काम दिया होता है ना वो कर रहा होता है, इसकी वजह से रस्ट का प्रोग्राम फास्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये एक एडिशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर रहा होता है, और वो ये कि वो जब तक आपका प्रोग्राम बिल्कुल ऑनरशिप के हवाले से ठीक ना वो कंपाइल ही नहीं होता। सी वगैरह में इनमें तो ये होता है ना कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और बाद में वो एरर आते हैं जब आप उसको चलाते हैं, तो अगर आपने कोई काम ठीक नहीं किया था, इसमें ये होता है वो कंपाइलर ही कोशिश करता है कि वो सारी चीज़ें जो है ना अपने लेवल के ऊपर वो रूल अप्लाई करके ऑनरशिप के वो सीधी करवा लेते हैं आपसे, ताकि रन टाइम पे आपको कोई मसला ना हो, एक तो ये आपका प्रोग्राम चले भी फास्ट और दूसरा वो एरर प्रोन होके चल रहा हो, एरर फ्री होके चल रहा हो। तो आसान अल्फाज में वो कहते हैं जी ऑनरशिप क्या होती है, ऑनरशिप इज अ ट्रांसफर ऑफ करंटली पोजेस्ड एंटिटी टू अनदर पार्टी विच कॉजेज द प्रीवियस ओनर टू नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। मतलब जैसे घर है, आपने घर लिया हुआ था, बनाया हुआ था, आप उसके ऑनर हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं, ओके फाइन, फिर एक दिन आपको कोई ज़रूरत पेश आती है तो आप वो घर बेच देते हैं किसी को, तो मिस्टर एक्स आपसे वो घर खरीद लेते हैं। अब क्या होगा, अब आपका उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा, अब आप कल को आके उस घर में रह नहीं सकते क्योंकि अब आपने वो घर किसी को बेच दिया, ट्रांसफ़र कर दिया उसकी पोजेशन, उसकी ओनरशिप आपने किसी मिस्टर एक्स को ट्रांसफ़र कर दी ना,
अब आपका उस घर के ऊपर से हक खत्म हो गया, ना आप उस घर को यूज कर सकते हैं, ना आप उस घर में रह सकते हैं, ना वट एवर. सेम इज द वे विद द ऑनरशिप ऑफ द रस्ट वेरिएबल्स, कि रस्ट वेरिएबल जब बनते हैं तो उनका एक ऑनर डिक्लेयर हो जाता है, वो ऑनर उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं उसके अंदर मौजूद डेटा को. और अगर आप वो ऑनरशिप किसी दूसरे वेरिएबल को ट्रांसफर कर देते हैं तो पहले वाला वेरिएबल का अब उस पे से हक खत्म हो जाता है, वो अब उस डेटा को यूज नहीं कर पाएगा. कैसे, ये हम आगे चल के देख लेंगे. तो रस्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर रूल होते हैं कि कौन सा कोड कौन सी रिसोर्सेस का ऑनर है. होता क्या है कि जिस ब्लॉक में, यानी कि जिन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड के दरमियान में आप होते हैं ना, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल डिफाइन हुए होते हैं ना, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं. और जब वो एक ब्लॉक खत्म हो जाता है तो फिर उस ब्लॉक के अंदर डिफाइंड सारे के सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. उस ब्लॉक के बाद आप उन वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते. ये रस्ट का एक सादा सा रूल है ऑनरशिप का. अब हम एग्जांपल लिख देते हैं सामने. हमारे सामने एक एग्जांपल है कोड की, छोटी सी फंक्शन मेन है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना लिया एस का, बल्कि ये लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं आगे जाके हम देख लेंगे. तो हम सपोज कर रहे थे एक वेरिएबल है एस नाम का, उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी, डेटा डाल दिया हेलो, उसका उसको प्रिंट भी करवा लिया और फिर प्रोग्राम खत्म हो गया. तो ये तो सादा सा प्रोग्राम था. अब हम इसको मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यार इस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे क्या क्या मेमोरी एलोकेट हो रही है और उसका स्कोप क्या है और ऑनरशिप क्या है. तो देखिए हम इसकी पहली लाइन में आते हैं, एफ एन मेन. उसके बाद यहां से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये जो स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट है ये स्कोप का स्टार्ट दे रही है, यहाँ पे ये प्रोग्राम का स्कोप एंड हो रहा है. अब देखें अभी ये इस कर्ली ब्रैकेट के बाद अभी तक एक्स मोरेज़ वजूद में नहीं आया यहाँ पे ना, अभी आप यहाँ पे एस को यूज ही कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस जगह पे लिखना चाहूँ प्रिंट एल एन एस, तो ये एरर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई एस नाम का वेरिएबल बना ही नहीं मेमोरी में. जब बनाए नहीं तो आप यूज कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे फिलहाल एस एग्जिस्ट नहीं करता इस जगह. फिर आपने उससे अगली लाइन में कमांड लिखी लेट एस इज इक्वल टू हेलो, तो अब एक स्ट्रिंग लिटरल बन गया मेमोरी में जिसका नाम है एस, उसकी वैल्यू है हेलो. ठीक है, अब ये मेमोरी में जाके एक क्रिएशन हो गई एस नाम की. अब यहां से आगे, इस लाइन से आगे, अब एस को आप यूज कर सकते हैं क्योंकि एस अब मेमोरी में आ चुका है. तो आप एस को प्रिंट करें, एस के साथ जो मर्जी करें, आप कमांड्स के अंदर एस वेरिएबल को यहाँ पे अब यूज कर सकते हैं. इसकी उन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दे दी कि उन्होंने प्रिंट एलन करवा लिया, एस को प्रिंट करवा लिया, तो यहाँ पे एस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो थी हेलो, वो प्रिंट भी हो जाएगी. इस तरह आप इसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, होते होते अब आप देखिए ये एस किस स्कोप में डिफाइन हुआ था, इस वाले स्कोप में. अब एस की स्टार्टिंग वाली कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे बनती है, जो एस से पहले जो भी पहली कर्ली ब्रैकेट आ रही होगी वो इसका स्टार्ट ऑफ द स्कोप होगा, और इसके बाद जो पहली एंडिंग कर्ली ब्रैकेट आ रही होगी वो इसके स्कोप का एंड होगा. तो अब एस को आप इस लाइन से लेके इस एंडिंग कर्ली ब्रैकेट तक, इसके दरमियान में आप एस के साथ जो करना चाहें, कोई कमांड लगाना चाह रहे हैं, कोई इस वैल्यू को यूज करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं. लेकिन इस कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या होगा कि अभी एस का स्कोप खत्म हो गया, एस यहां से मेमोरी में से वॉश आउट हो जाएगा. अब आप एस को यूज नहीं कर सकते, यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट के बाद अगर आप एस को प्रिंट करवाना चाहें तो एरर दे देगा कि यार एस पता नहीं क्या चीज है. क्यों? क्योंकि एस का आप स्कोप खत्म हो चुका है, अब एस मेमोरी में से आउट हो चुका है. तो ये जो ऑनरशिप है ना, सॉरी, ये रस्ट का एक यूनिक फीचर है जिसकी वजह से रस्ट ये इंश्योर करती है कि मैं मेमोरी के अंदर गार्बेज कलेक्टर के बगैर ही आपको मेमोरी सेफ्टी की गारंटी दे रहा हूँ. क्यों? क्योंकि
कि वो स्कोप से बाहर किसी वेरिएबल को ना तो यूज होने देगी बल्कि उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करवा दे विदाउट हेल्प ऑफ एनी गार्बेज कलेक्टर। तो ये जो ऑनरशिप का कंसेप्ट है ना, इसने ये चीज पॉसिबल की है कि इस रस्ट को मेमोरी सेफ लैंग्वेज डिक्लेयर करवाए। और ये काम कैसे कर रहे होते हैं, ये कीप ट्रैक रखती है कि कौन सा पार्ट ऑफ द कोड किस डाटा को यूज कर रहे हैं, चाहे वो हीप के ऊपर हो और चाहे वो स्टैक पे हो। और जो ही आप उस पार्ट ऑफ द कोड से बाहर निकलते हैं तो वो जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो हीप के ऊपर से या आपके ये जो स्टैक होते हैं इनके ऊपर से वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका जो मेमोरी है वो क्लीन भी रहती है और एरर फ्री भी रहती है। यहाँ पे एक मजीद उन्होंने थोड़ी सी डिक्लेरेशन किया हुआ कि जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती है, इंटीजर, बूलियन, स्ट्रिंग लिटरल और पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या होते हैं, जिनके अंदर एड्रेस ऑफ द हीप डेटा स्टोर हो रहा होता है। ये सारे के सारे स्टैक टाइप ऑफ मेमोरी पे स्टोर होते हैं, जबकि इसके अलावा जो बाकी कम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं वो हीप पे सेव हो रही होती हैं। इसी तरह से आपके एरेज या वो एरेज जिनमें प्रिमिटेड डेटा टाइप्स होती हैं या वो सारे टुपल्स जिनके अंदर ओनली प्रिमिटेड डेटा टाइप्स होती हैं वो सारे के सारे भी स्टैक के ऊपर ही सेव होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए, वरना फिर यहाँ से ऑनवर्ड हम शुरू करेंगे, ऑनरशिप के रूल्स देखेंगे और मजीद जो आगे चीजें हैं वो देखेंगे हम इंशाल्लाह अजीज कल। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें, वरना फिर हम ये सेशन एंड करते हैं और बाकी कल इंशाल्लाह 10 बजे से 11 बजे तक हम इस वाले वीक का जो सेशन नेक्स्ट है वो हम करेंगे और वहां से हम ऑनरशिप के रूल्स और मजीद जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें, वरना फिर इंशाल्लाह अजीज कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, नो क्वेश्चन, तो चलें एंड करते हैं यहाँ पे आज का सेशन और कल इंशाल्लाह इसी वक्त 10 बजे हम हाजिर होंगे और यहीं से ऑनवर्ड आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।